Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are doing well. Today we are going to start exercise number 1.2. But firstly, we will read about union, intersection and difference of two sets. Let's read union of two sets. बच्चे ये सारी आपके पास पॉइंट आउट की हुई हैं डेफिनेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन ऑफ टू सेट्स, बच्चों यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है? बेटा देखें, यूनियन का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद, इकट्ठे होना. ओके, इस मीनिंग से आप इसको याद रखें कि इसके अंदर हमें क्या वर्किंग करनी है. लेट्स स्टार्ट. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट्स ए और इन सेट बी और इन बोथ. द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी. जी बेटा, यूनियन आपके पास एक ऐसा सेट है. फॉर एग्जांपल, आपके पास ए सेट में अगर ये वर्ड्स, एग्जांपल नंबर वन को हम देख लेते हैं. ए के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास क्या हैं? ए, ई, आई, ओ. एंड बी एलिमेंट्स आर ए, बी एंड सी. देन फाइंड ए यूनियन बी. बेटा देखें, ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं ए, ई, आई, ओ एंड बी इज ए, बी, सी. अब आपने उसका क्या करना है? फाइंड आउट करना है यूनियन. बच्चों ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज किया जाता है यूनियन के लिए. अब देखें, आप सॉल्यूशन में आए, आपने ए सेट लिखा और बी लिखा. देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग. ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी जो सेट्स सेम हैं वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, इज इक्वल टू सेट्स जो एलिमेंट्स हैं आपके पास सेट की फॉर्म आ रही है वो राइट डाउन करेंगे. देन यूनियन सिंबल. देन यू कैन राइट सेट बी. ए यूनियन बी, यूनियन बी डेफिनेशन में वो आपको कह रहा है यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स. वो कह रहा है जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं आपने उन सबको क्या करना है? इकट्ठा करके लिख लेना है ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन बी. जो सेट ए और बी में सारे एलिमेंट्स होंगे उनको आपने एक ही सेट में लिख लेना है. ये आपको वो दे रहा है आंसर ए, ई, आई, ओ, बी, सी. बट बेटा अगर ये कंडीशन आ जाए, एक कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो आप रिपीट नहीं करेंगे, वो आप एट अ टाइम एक बार ही लिखेंगे. जैसा कि एग्जाम्पल नंबर टू में आपके पास देखें, एम सेट में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है और एन में 1, 3, 5, 7 है. अब देखें, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास इसमें चेंज आ रहे हैं, लेकिन जो 3 और 5 है ये ट्वाइस है. सेट एम में भी है और सेट एन में भी है. जब आप इसको इनका यूनियन लेंगे सेट एम और सेट एन का, तो आप इसके अंदर से 3 और 5 को ट्वाइस टाइम राइट डाउन नहीं करेंगे, आप इसको वंस टाइम राइट डाउन करेंगे. देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अब बेटा इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन में आपके पास आ जाता है, जी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स. देखें, आपके पास यूनियन में था ऑल एलिमेंट्स, बट यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में वो आपको कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन. यहाँ पे बेटा वो कॉमन का जो है एडिशन हो रही है आपके पास, वो कह रहे हैं आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे सेट ए एंड बी. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी. एग्जाम्पल नंबर 1, ए, ई, आई, ओ, यू है जो ये सेट है, आपको क्या रिप्रेजेंट करें? ए सेट को रिप्रेजेंट करें ये वाले एलिमेंट्स और बी को ये. फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. बच्चे आपने ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है? फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स, अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि ए और बी में आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं. जी स्टूडेंट्स, ए में देखें ए, ई, आई, ओ, यू एंड ए, बी, सी, डी, ई. ए देखें जी, ए ए सेट में भी है और बी में भी है. देन ई इस सेट में भी है, ए में भी है और सेट बी में भी है. देन आपके पास आई, ओ, यू जस्ट किसके अंदर आ रहे हैं? सेट ए में आ रहे हैं. और बी में क्या आ रहे हैं? सी, डी, बी, सी, डी. बट ये वाले हमारे पास कॉमन जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ आपके पास क्या आ रहे हैं? ए एंड ई. आपने ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स में,
सेट्स में, और सेट में आपने उसके एलिमेंट्स कॉमन लिए, इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और ए ई को आपने कॉमन लेके नीचे सेट में लिख लिया बेटा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। देन जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब बेटा देखें, वो कह रहा है कि जो सेट सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो ए में हों बट बी में ना हों, आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी बट बी के ना हों, तो ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी और ए स्लैश बी। बेटा इसके लिए माइनस का भी सिंबल यूज होता है और स्लैश का भी यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपने ए माइनस बी का किया है और यहाँ पे वो कह रहा है सिमिलरली बी डिफरेंस ए, मतलब यहाँ बी डिफरेंस ए में क्या होगा कि जो बी में एलिमेंट्स हों बट ए में ना हों आपके पास, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इट इज़ रिटन एज बी माइनस ए और बी स्लैश ए। स्लैश अगेन आपके किसको शो कर रही है बच्चों, आपके डिफरेंस के साइन को शो कर रही है। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 किसकी, डिफरेंस की। इफ ए इज इक्वल टू 1, 3, 6 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन फाइंड, आपने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी एंड सेकेंड पार्ट इज बी माइनस ए। बेटा ए सेट आपके पास है, देन बी, ए माइनस बी, देन यू कैन राइट देयर एलिमेंट्स सेट ए एंड माइनस सेट बी। अब देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में हों लेकिन सेट बी में ना हों, इन सिंपल वर्ड बेटा इसकी ये आपके पास डेफिनेशन है, सिंपल उसने आपको राइट डाउन करके बताई है। 1, 3, 6, देखें 1 बी में है, 3 बी में है, 6 इज ओनली इन सेट ए, तो आपने क्या लिख लिया 6। देन बी माइनस ए, बच्चे बी माइनस ए बी में हो लेकिन ए में ना हो, बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है उसके, यहाँ पे ए माइनस बी था वहां पे बी माइनस ए है। अब देखें 1 और 3, हमें यहां से पता है कि 1 और 3 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स थे, जब ये दोनों हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स थे तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग कौन से आएंगे, 2, 4 एंड 5। सो दिस आंसर इज दिस बी माइनस ए आंसर इज 2, 4 एंड 5। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ यूनियन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन बी। अब देखिए वो कह रहे हैं जो सेट ए में आपके एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में होंगे, उन सबको आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है और उन सबको इकट्ठा करके यूनियन में लिख देना है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए एज ए यूनियन बी। अब देखिए जो यूनियन का सिंबल है वो आपके पास ये वाला पॉइंट आउट किया गया है, आपने इसको सिंबल को मेमोराइज करना है। ये थी आपके पास डेफिनेशन, या आप लोगों ने डेफिनेशन लर्न करनी है। ओके, अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब आपने क्या करना है, इस सेट को जो आपके पास दो सेट्स हैं आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 3, 5 यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, 4 एंड ब्रैकेट। अब ये आपने बेटा अब लिख लिए यूनियन सेट्स को विद सिंबल लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इनको सारे एलिमेंट्स को मर्ज करके लिख देना है। जी 1, देखिए 1 इस सेट में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आपने जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे उनको एट अ टाइम वन टाइम ही आपने लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना। जी 1, 2, 3 एंड 4, 5 बच्चे ये आपके पास आ गए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का सेट। नेक्स्ट S यूनियन T, A B C यूनियन T,
के एलिमेंट्स लिखे सी डी ई जी, इनको कंबाइन करें, ए सिर्फ एस में आ रहा है और टी में नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए, बी वन टाइम आ रहा है बी, सी टू टाइम्स आ रहा है आपके पास, एस में भी आ रहा है और टी में भी आ रहा है, तो आप इसको एट अ वन टाइम इसको आप क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, सी देन डी एंड ई, बचे बस, बहुत इजी है, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है, डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी है. नेक्स्ट एक्स एक्स यूनियन टी ब्रैकेट, एक्स के एलिमेंट्स देखें 2, 4, 6, 8, 10, यूनियन, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा बच्चों, वाई वाई, यहाँ पे वाई के एलिमेंट्स देखें 1, 5 and 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट डाउन करें जिनके यूनियन के एलिमेंट्स 1, 2, 4, 5, 5 हो गया, देन 6, 8 and 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन सा मिसिंग है हमारे पास, जी 10 हमारे पास रिपीट हो रहा था, तो हमने वन टाइम इसको राइट डाउन किया है. नाउ फोर्थ पार्ट इज सी इज इक्वल टू ए आई ए सॉरी आई ओ यू एंड डी इज ए ई ओ ई इज आई ई यू. आपके पास पार्ट 1, 2 में 2 सेट्स थे और फोर्थ पार्ट में आके बच्चों आपके पास कितने सेट्स हो गए, 1, 2 and 3. ओके सी यूनियन डी यूनियन ई, सी के एलिमेंट्स देखें आई ओ यू, यूनियन का आपके पास सिंबल आ जाएगा ए ई ओ, यूनियन का सिंबल आ गया आई ई यू. अब आपने क्या करना है, इन सारे सारे सेट्स को यूनियन फॉर्म में कंबाइन करके लिख देना है, लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ऐसा एलिमेंट जो रिपीट हो रहा हो उसको आप जस्ट वन टाइम राइट डाउन करेंगे. ओके जैसे कि अब आप देखें आपके पास आई आ रहा है, कितनी बार आ रहा है जी आई, सी में भी आ रहा है और यू में भी ई में भी आ रहा है, जैसे ओ आपके पास सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, यू आपके पास सी में भी आ रहा है और ई में भी, बस आपने इनका ख्याल रखना है कि आपने एट वन टाइम आपने इनको लिखना है जी आई ओ यू ए ई. बच्चे ये आपके पास आ गया सेट सी यूनियन डी यूनियन ई का. फिफ्थ पार्ट है आपके पास एल एम एन, एल के जो एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12 एंड 18 एंड एम एलिमेंट इज आर, एम एलिमेंट्स आर 6, 12, 18 and 24, एन एलिमेंट्स आर 4, 8, 12 and 16. लेट्स राइट इट. यूनियन एम लिखें सेट, एम सेट आपके पास क्या आ रहा है 6, 12, 18 and 24 एंड एन सेट इज यूनियन सिंबल, एन सेट इज 4, 8, 12 and 16. आप इनके सेट्स को लिखें, एलिमेंट्स को लिखें, रिपीट ना हो, मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूं, यूनियन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. 3, 6, 9, 3, 6, 9, then 12. अब देखें एम में 6 भी आपने लिख लिया है, 12 भी लिख लिया, देन नेक्स्ट वन इज 18 and 24. एन में से आप क्या लिखेंगे 4, 8,
12 भी आप लिख चुके हैं और 16 आपने नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख लेंगे 16। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। बेटा, सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप वो सिर्फ लिखेंगे इंटरसेक्शन सेट में। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को जो डिनोट किया जाता है वो ये इसका सिंबल है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। और हम इसको रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको पहले भी पता है, हम लोगों ने अच्छे से याद करनी है डेफिनेशन आपकी, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन के साथ लिख के दी है कि आप इसको अच्छे से याद करें। और आपको पता है ये विद MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और इन शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपके पास ये पेपर में आ सकती है, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ मेंशन है आपकी डेफिनेशन और इससे आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट सेट इज P इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड Q इज इक्वल टू -3, -2, -1 एंड 0। अब आप देखें इसके अंदर सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें क्या है, नेगेटिव हैं। आपके पास इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है, अगर आप राइट कॉर्नर पे देखें, वो कह रहे हैं ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। बेटा, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं P इंटरसेक्शन Q में? जी आप बताएं, आप देखें जरा इसको, P इंटरसेक्शन Q। जी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट बच्चों हमारे पास आ रहा है 0। 0 इज इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन एंड क्यू। ये किसका आंसर है? पी इंटरसेक्शन क्यू का 0 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन एन, एम इंटरसेक्शन एन। जी एम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चे ये 10 तक जा रहे हैं आपके पास एलिमेंट, डॉटेड लाइंस हैं, इट्स मीन सो ऑन, कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं 10 पे। एन इज 1, 3, 5, 7, 8, 9। बच्चे जो यहाँ पे आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, पहले इन सेट्स को लिख लें। इंटरसेक्शन जी आप बताएं इसमें से कॉमन एन, एम इंटरसेक्शन एन, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर इन सेट एम, ऑल्सो इन सेट एन। एम में भी हैं और एन में भी हैं। जी अब हम इनको लिखते हैं, थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15, 5, 10, 15 एंड 20 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जी इसको लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15 इंटरसेक्शन 5, 10, 15 एंड 20। जी बताएं कि इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 3, 6, 9, 12 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें नजर आ रहा है जो बी सेट है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है जो ए में भी कॉमन है और बी में भी है। जी ये कौन सा एलिमेंट है आपके पास? 15। जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 3 पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है आपके पास, U इज इक्वल टू -1, -2, -3, V इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड W इज इक्वल टू 0, ±1, ±2। बेटा अब यहाँ पे आपके पास 3 सेट्स आ गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले फर्स्ट
और सेकंड सेट का इंटरसेक्शन लेंगे या सेकंड एंड थर्ड का लेंगे, इट्स अप टू यू, आप खुद देखेंगे। लेकिन हम क्या, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉसिबल नहीं है एट अ टाइम हम तीनों का इकट्ठा ले लें, क्योंकि पहले हमें दो का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स लें, U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W, बेटा ये कंडीशन आपके पास आ रही है। अब आप या तो पहले U एंड V का ले लें या फिर V एंड W का ले लें। हम लेंगे सबसे पहले U एंड V का, बेटा पहले हम इन दोनों का ले लेंगे, देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट मूव करेंगे। जी आ जाएं, पहले हम U एंड U इंटरसेक्शन V। जी बच्चे U का सेट लिखें, क्या आते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ब्रैकेट इंटरसेक्शन V, एलिमेंट्स आर वन टू एंड थ्री। बच्चे इसका अगर आप देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वन वन माइनस टू टू माइनस थ्री एंड थ्री। बेटा U एंड V में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसका ये आंसर फर्स्ट वन आंसर क्या आ जाएगा, एमपीटी सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब ये U इंटरसेक्शन V का जो आपने लिया है इंटरसेक्शन, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखें U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W इज इक्वल्स टू, आपने ये वाला जो सेट का लिया था इंटरसेक्शन वो आया था आपके पास एमपीटी इंटरसेक्शन। अब आप लिखेंगे W के एलिमेंट्स, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू। बच्चे इनमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, नथिंग। आपके पास इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एमपीटी सेट, दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज एक्स इज इक्वल टू ए एल एम एंड वाई इज इक्वल टू आई एस एल ए एम एंड जी इज इक्वल टू एल आई ओ एन, लाइन बन रहा है आपके पास। बेटा सेम एज इट इज, जैसे आपने फोर्थ पार्ट में किया है कि आपने पहले तीनों सर्स को इंटरसेक्शन में लिखा है, देन इट्स अप टू यू बेटा आपने फर्स्ट सेकंड का लेना है या फिर सेकंड थर्ड का लेना है। जी स्टूडेंट्स लिखें एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। जी यहां पे लें, हम ले रहे हैं पहले एक्स का और किसका ले रहे हैं, वाई का ले रहे हैं। एक्स और वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, एक्स के एलिमेंट्स लिखें ए एल एंड एम इंटरसेक्शन आई एस एल ए एंड एम। बेटा यहां पे आपके पास कॉमन ए आपके पास एक्स में भी है और वाई में भी है, यहां पे और यहां पे आपके पास ए कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखें एल, एल आपके पास एक्स में भी है और y में भी है, l आ गया। देन m, m आपके पास x में भी है और y में भी आ रहा है। बच्चों ये आपका आ गया x एंड y का इंटरसेक्शन। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो इंटरसेक्शन आया है इसको आपने, जो आपने ये बनाई थी इसकी इंटरसेक्शन की ये ब्रैकेट्स लगा के एक स्टेटमेंट बनाई थी, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। इंटरसेक्शन z, a l m इंटरसेक्शन जी, जी क्या आ रहा है आपके पास एल आई ओ एन। जी बच्चे ले आप इसके अंदर, आपके पास आ रहा है बताएं ए ए, नो एल आपके पास इसमें आ रहा है जो एक्स इंटरसेक्शन वाई था और आपके पास जी में भी आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा एल। एम आपके पास आ रहा है जस्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई में बट जी में नहीं आ रहा, सो योर आंसर इज एल। बच्चे इसका आपका ये आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री इज इफ एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, फाइंड एन यूनियन डब्ल्यू एंड एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। बेटा जो एन है कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। बेटा आप लोगों ने जब मैंने आपको इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करवाया था स्टार्टिंग में उसने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का आपको बताया था, क्योंकि अब हमने उसने हमें कहा आपने n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w फाइंड आउट करना है। बेटा अब हम लोगों को फाइंड आउट सेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट में नहीं लिख देना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम लोगों ने इसको लिखना है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में थ्री फॉर्म्स पढ़ी थी बेटा,
थ्री एक्सप्रेसिंग वे पढ़े थे, तो जो आपके पास सेट्स में आते हैं उस सेट वाले को आप लोग क्या कहते हैं, टेबलर फॉर्म कहते हैं। ये जो आपको गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है आपके पास, ये वाला सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप इसको किसके अंदर चेंज करके लिखेंगे, टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले लिखें n इज इक्वल टू बेटा नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बेटा कंटिन्यू रहते हैं आगे, क्योंकि हमें उसने लिमिट नहीं बताई। अब आपके पास जो फर्स्ट आ रहा है बेटा, वो फर्स्ट आपको कह रहा है आपने क्या फाइंड आउट करना है, एन यूनियन डब्ल्यू। सेकेंड वन कह रहा है आपको क्या करना है, आपने एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एन यूनियन डब्ल्यू। जी बच्चे ये टेबलर फॉर्म आप लोग लिखें 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, यूनियन में आप क्या लिखेंगे आगे 0, 1, 2 सो ऑन। बेटा अब यहां पे यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन में आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब आप देखें 0 फॉर एग्जांपल लाइन में नहीं है, बट डब्ल्यू में आपके पास इंक्लूडेड है, तो आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2 सो ऑन। बेटा ये आपके पास आ गया एन यूनियन डब्ल्यू का सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वन इज एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू की बात कर रहा है बेटा, तो एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप सबको याद होगा इसमें क्या होते हैं, ऑल कॉमन एलिमेंट्स लिखें आप सो ऑन, इंटरसेक्शन लिखें इसका सेट 1, 2 सो ऑन। बच्चे इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, जब कॉमन एलिमेंट्स की बात आई है तो कॉमन एलिमेंट्स में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेंगे 1 से, बिकॉज 0 इज इन होल सेट नॉट इन नेचुरल सेट, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 कॉमन सो ऑन। बेटा ये भी इसका आंसर है और ये भी क्या है इसका आंसर है आपके पास, ये दोनों आपके पास इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सी इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड पी यूनियन सी एंड पी इंटरसेक्शन सी। बेटा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें उसने क्या किए हैं, सेट्स चेंज कर दिए हैं। अब उसने एक प्राइम नंबर्स का दे दिया और एक कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो सेट्स होते हैं, एक इटसेल्फ होता है और एक वन होता है, टू फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ होता है और एक वन होता है। कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, बेटा इसके इस दो से ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अब आप देखें इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा आपके पास पी, इनको सेट्स को सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, टेबलर फॉर्म इनको चेंज करेंगे। टू प्राइम नंबर का मैं आपको बता रही हूं, 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, बचे की आपके पास है प्राइम नंबर का सेट। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर का सेट, अगर आप ये पहले देखें प्राइम नंबर्स को, देखें ये 1 के टेबल में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3, 1 एंड 3, 5, 1 एंड 5, 7, 1 एंड 7 11, 1 एंड 11 इनके सिर्फ आपके पास टू फैक्टर्स आएंगे। अब कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर्स हो जाएगा, जैसे कि अब आपके पास कंपोजिट में फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे, 4। देखिए 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन, बच्चे ये आगे कंटिन्यू है। अब आपको वो कह रहे हैं फाइंड पी यूनियन सी, फर्स्ट वो आपको क्या कह रहे हैं, पी यूनियन सी फाइंड आउट करें, सेकंड क्या कह रहे हैं आपको, पी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें। जी फर्स्ट पार्ट की तरफ आए, पी यूनियन सी, पी के सेट्स लिखें सो ऑन, यूनियन सी 4, 6, 8, 9 सो ऑन। बच्चे यूनियन, यूनियन में क्या आ जाते हैं, होल सेट होल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अंदर आपके पास इसके क्या सेट के आंसर में आपके पास क्या आएगा, 1 आपके पास ना इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं ना कंपोजिट में, ना प्राइम में ना कंपोजिट में, तो आपके ये सेट स्टार्ट हो रहा है 2 से, 2, 3
टू थ्री आ गया, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू थ्री नहीं था, फोर फाइव आपका प्राइम सेट में से आ गया, फाइव सिक्स कंपोजिट में से, सेवन सो ऑन. बच्चे ये आपके पास था किसका आंसर, पी यूनियन सी का. सेकेंड पार्ट है आपके पास पी इंटरसेक्शन सी. जी सी को इंटरसेक्शन में ले जाए टू थ्री फाइव सेवन एंड इलेवन सो ऑन, इंटरसेक्शन फोर सिक्स एट नाइन एंड सो ऑन. बेटा अब आप इसको किसके अंदर लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स टू थ्री फाइव. बेटा इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, एमपीटी सेट आपके पास इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए इज इक्वल टू ए सी डी एफ, बी इज इक्वल टू बी सी एफ, बी सी एफ जी एंड सी इज इक्वल टू सी जी सी एफ जी एच, देन फाइंड. आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट इज ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी. बच्चों ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स सेम है, कुछ भी इनके अंदर चेंज नहीं है, सिर्फ सेट्स उसने चेंज किए हैं, सॉल्यूशन इनका सेम है. मैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपको करवा रही हूँ और सिक्स का सॉल्यूशन आपको मैं सॉल्व करके दे दूंगी. आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व करना है, देन आप लोगों ने उसके साथ मैच करना है. जी क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाएं सब बच्चे. सॉल्यूशन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए सेट आपके पास क्या आ रहा है, ए सी डी एफ यूनियन यूनियन बी आपके पास क्या आ रहा है, बी सी एफ एंड जी ब्रैकेट यूनियन सी आपके पास क्या आ रहा है, सी एफ जी एंड एच. ये आप मैंने इसको क्या कर दी बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी है जो उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दी थी. यहाँ पे यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो उसने आपको दिए बी यूनियन सी में. जी सबसे पहले इसको सॉल्व करें. यूनियन में क्या होगा बच्चे, सारे के सारे एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, कंबाइन कर देना है. ए सी डी एंड एफ ब्रैकेट यूनियन. ये जो ब्रैकेट वाला आपके पास पोर्शन है इसको सेट करें, सॉल्व करें सबसे पहले सेट को. बी सी बेटा देखिए बी सिर्फ सेट में, उसमें नहीं, आप इसमें लिख लेंगे जी बी. सी दोनों में है, सी आ गया. एफ इस सेट में भी है और बी में भी है और सी में भी है. अब आप क्या लिख लेंगे, एफ जी आपके पास बी में भी है और सी में भी है. एच आपके पास बी में है बट सी में नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एच. ये आपके पास आ गया, ये बी यूनियन सी का सोल्यूशन है आपके पास. नेक्स्ट आ जाए क्लास, आपने इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन ले लेना है. जी ए आपके पास क्या है, जस्ट ए सेट में है ए, देन बी आपके पास सिर्फ इस यूनियन के दो दो सेट्स का आपने लिया था यूनियन, उसमें आ रहा है. देन सी, सी आपके पास दोनों में आ रहा है लेकिन हम एक सी को राइट डाउन करेंगे. देन सी के बाद डी आ रहा है ए में. डी एफ दोनों सेट्स में है, एफ एक बार आएगा आपके पास. जी एंड एच इज ओनली इन यूनियन ऑफ बी एंड सी. ये आपके पास बच्चों क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया ए बी सी डी ए बी सी डी जी एफ जी एच. नेक्स्ट बेटा आपके पास पोर्शन आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, उसमें वो आपको कह रहा है आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सेम ब्रैकेट वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है. जी आ जाए इसको पहले सॉल्व करें. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ए सेट आपके पास क्या है, ए सी डी एफ ब्रैकेट इंटरसेक्शन आप ले यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स ली. कर्ली ब्रैकेट्स में आपने बी का क्या पोर्शन है, बी सी एफ एंड जी कर्ली ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन
सी एफ जी एंड एच ब्रैकेट। जी बच्चे, सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट्स को, ये वाली ब्रैकेट को और ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए सी डी एंड एफ। आपके पास ए सेट आ गया, इंटरसेक्शन आप ले रही हैं बी और सी सेट का इंटरसेक्शन। बी आपके पास जस्ट आ रहा है बी सेट में बट सी में नहीं है, सी आ रहा है आपके पास बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, आप यहां पे लिखेंगे सी। एफ आपके पास दोनों सेट्स में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी, एज इट इज। जी भी आपके पास दोनों सेट्स में आ रहा है, बट एच आपके पास दोनों सेट्स में नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन एलिमेंट्स में नहीं आएगा। जब ये कॉमन एलिमेंट्स में नहीं आएगा तो आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपके पास ये एक सेट है, ये बी इंटरसेक्शन सी सेट है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। सी जी सी ए में है और इस सेट में है, जो आपने अभी लिया है कॉमन एलिमेंट सी। डी नहीं है, एफ है, ए में भी है और बी इंटरसेक्शन सी वाले सेट में भी है एफ। बच्चों, ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, सेकंड पार्ट का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जी उसको देखें हम। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन 10, वाई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 12 एंड जी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड 11, देन फाइंड एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। बट यहाँ पे क्या है, एडिशनल आपके पास ब्रैकेट है। सेकेंड पार्ट इज एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी। बेटा, हमेशा पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है, आपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। जी बेटा, ये आपने उसकी स्टेटमेंट लिखी, आपने एक्स में एक्स की वैल्यूज पुट की, यूनियन का सिंबल, ब्रैकेट ब्रैकेट, वाई का सेट, यूनियन जी का सेट, ब्रैकेट। आपने जब ये सेट्स लिख लिए हैं, आपकी ब्रैकेट वाले सेट्स को आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। बेटा, आपके पास जो ये सेट्स आ रहे थे, ये वाले दोनों सेट्स, इन दोनों सेट्स को आपने यूनियन करके लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12 आपका इसका आंसर आया। देन आपने क्या लिया इसका, ये जो इन दोनों का आपने यूनियन लिखा है, इन दोनों के यूनियन को आपने किसके साथ लेना है, एक्स के साथ। देन एक्स यूनियन आपके पास क्या आएगा, वाई यूनियन जी इज दिस, या आपके पास वाई यूनियन जी का सेट है। आपने इन सबको कंबाइन किया, देखें, वन यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स में फर्स्ट वन आ गया, टू दोनों सेट्स में, 2, 3, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके पास किस में आ रहा है, वाई यूनियन जी में, तो आपने लिखा वाई यूनियन जी में 11, 12। नेक्स्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व किया, एज इट इज फर्स्ट पार्ट आपने वैल्यूज पुट की, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया, चेंजिंग क्या है, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही थी और यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, इंटरसेक्शन की। जी स्टूडेंट्स, आपने इंटरसेक्शन लिया वाई इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन में अगर आप देखें, टू जस्ट वन एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है किसके अंदर, वाई इंटरसेक्शन जी के अंदर। ये वाले जो दोनों सेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये वाले दोनों सेट्स, इन दोनों सेट्स का आपने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया। इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आंसर आया है, टू। आपने जब एक्स के साथ इंटरसेक्शन लिया वाई इंटरसेक्शन जी सेट का, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, टू। जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके पास, इफ आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एस इज इक्वल टू 0 to 4 एंड टी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 देन फाइंड फर्स्ट पार्ट इज आर स्लैश एस। आपको मैंने बताया था डिफरेंस के लिए स्लैश भी यूज की जाती है और माइनस का सिंबल भी यूज किया जाता है। जी, फर्स्ट पार्ट की तरफ फाइंड क्लास, आर माइनस एस। आप सबसे पहले किसका सेट लिखेंगे, आर का, 0, 1, 2, 3 माइनस एस 0, 2 एंड 4। आपके पास डिफरेंस की डेफिनेशन ये थी, ऐसे सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आर में हों, आर में एग्जिस्ट कर रहे हों, बट एस में उसकी एग्जिस्टेंस ना हो। तो आपके पास देखें, 0 आपके पास आर में भी है और एस में भी है, 1 आपके पास जस्ट बेटा किसके अंदर है, आर सेट के अंदर है 1,
टू आपके पास आर में भी है और एस में भी है, और थ्री आपके पास जस्ट किस में है, थ्री में है बेटा, वो सॉरी थ्री किसके अंदर है, आर में है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर सेवन का, वो देखें उसमें वो आपको कह रहा है टी स्लैश एस जी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टी का सेट बच्चे लिखेंगे, टी माइनस एस। टी का सेट क्या आता है, वन टू थ्री एंड फोर, माइनस एस का सेट लेके हैं जी जीरो टू एंड फोर जी। वन आपके पास जस्ट किसमें आ रहा है, सेट टी में आ रहा है, आप इधर लिखेंगे वन। टू आपके पास इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, एस में भी आ रहा है और टी में भी आ रहा है। थ्री आपके पास जस्ट किसमें आ रहा है, टी में आ रहा है, इधर लिखते हैं थ्री। फोर आपके पास दोनों में कॉमन है तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर थ्री इज आर स्लैश टी, आर माइनस टी, आर का आपने सेट लिखा माइनस टी सेट। देन आपने क्या किया, इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया, जीरो ओनली एग्जिस्ट इन आर, अदर एलिमेंट्स आर सेम, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, क्योंकि हमने सिर्फ इसके आंसर में वो एलिमेंट लिखना है जो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, आर के अंदर कर रहा हो। फोर्थ पार्ट इज एस स्लैश आर, एस माइनस आर, जीरो टू फोर सेट ऑफ एस एंड जीरो वन टू थ्री सेट ऑफ आर। अब आप खुद देखें जीरो जीरो दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू टू बोथ सेट में ही वाला एलिमेंट्स है, एलिमेंट है। देन फोर, फोर इज ऑनली इन सेट आर, सो योर आंसर ऑफ दिस सेट इज फोर। ये आपकी बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों ने सारी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स पे इनको कंप्लीट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।